तो दोस्तों आपका जो लेंस कट का ऑर्डर है वो चाहे आपका स्टोर से हो या फिर लेंस कट का ऐप से हो या फिर लेंस कट का वेबसाइट हो, कोई बात नहीं है। लेंस कट का जो ऐप है वो आपका स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिए। देख सकते हो मैंने डाउनलोड कर लिया है और इस ऐप को खोल लीजिए। खोलने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। साइड में जो तीन डॉट है इधर आपका इस साइड में, उस ऐप के ऊपर, उस डॉट के ऊपर क्लिक करके आपका लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करना है इसी से आपका ऑर्डर करते वक्त जिस नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन ओटीपी देके हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो ऐसा कुछ साइड में आपका नाम दिखाई देगा और आप गोल्ड मेंबर हो वो भी दिखाई देगा। और नीचे देख सकते हो आपका माय ऑर्डर सेक्शन है, तो माय ऑर्डर सेक्शन पे आपको टैप करना है और इसमें आपका ऑर्डर चाहे ऑफलाइन स्टोर से हो या फिर ऑनलाइन स्टोर से हो, इस नंबर के साथ जुड़ा हो जो भी ऑर्डर है सारे के सारे इधर लिस्ट होके दिखाई देगा। तो देख सकते हो मेरा ये बहुत सारा ऑर्डर है, मैंने लेंस कार्ड से बहुत सारा ऑर्डर किया है। तो मेरा ये भी स्पेक्टेकल लेंस कार्ड से है, मेरा पापा का, मम्मी का, सबका है। तो आपका जितना सारे होगा ये सब दिखाई देगा। अगर आपका एक ही है तो एक ही दिखाई देगा, जितना सारे है ये दिखाई देगा। तो आपका जो ऑर्डर में ये स्पेक्टेकल था जिसके बारे में क्लेम करना है, इशू आ रहा है स्पेक्टेकल में, तो उस ऑर्डर को आपको सिलेक्ट करना है पहले। तो देख सकते हो मेरा ये जो ऑर्डर है विंसेंट चेस पोलराइज सनग्लास है, ये एक्चुअली मेरा पापा का है जो मैंने 29 अप्रैल को ऑर्डर किया था और ये 2 महीने के अंदर ये जो स्पेक्टेकल है ये टूट चुका है। तो इसका जो वारंटी मैं क्लेम करने वाला हूं। तो ऊपर में देख सकते हो नीड हेल्प का ऑप्शन है, तो नीड हेल्प के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो नीड हेल्प के ऊपर क्लिक करने के बाद एक चैट विंडो खुल जाएगा जिधर आपको एग्जीक्यूटिव को बताना है, उसके साथ चैट करना है। तो देख सकते हो कनेक्टिंग यू टू चैट सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट, तो उधर आपको 3 ऑप्शन आ जाएगा। पहले मेनली बाय आईयूआर, लोकेट आई नियर बाय स्टोर और ऑर्डर रिलेटेड क्वायरी। तो ऑर्डर रिलेटेड क्वायरी आपको सिलेक्ट करना है। आपका जितना सारा ऑर्डर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। देख सकते हो मेरा यही ऑर्डर है, एक्चुअली उधर से सिलेक्ट किया था तो ऑटोमेटिकली इधर यही ऑर्डर ले लेगा। ये चैट की मदद से आपको ये वारंटी क्लेम करना है, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद 3 ऑप्शन आ जाएगा, गेट इनवॉइस, रिटर्न एक्सचेंज और रिपेयर और ऑर्डर नॉट डिलीवर्ड। वारंटी क्लेम करने के लिए आपके पास इनवॉइस होना जरूरी है। तो अगर आपका इनवॉइस नहीं है तो पहले गेट इनवॉइस पर क्लिक करके इनवॉइस को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बाद में एक्सचेंज ऑर्डर रिपेयर पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद इनवॉइस इधर से नहीं देता है, ऑप्शन नहीं देता है। उसके बाद रिटर्न एक्सचेंज और रिपेयर पर क्लिक करना है। तो रिटर्न एक्सचेंज और रिपेयर पर क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो इधर 3 ऑप्शन, जिधर आपको लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लेम वारंटी। आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जिधर आपको आपका जो इशू है वो थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना है क्या हुआ है। देख सकते हो ये सब देख सकते हो जो शॉर्ट में मैंने लिख दिया, उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है लेंस कार्ड के साथ जो ईमेल आईडी है वही दे दीजिए, फिर आपके साथ एक लेंस कार्ड का एग्जीक्यूटिव जुड़ जाएगा जो आपको हेल्प करेगा। देख सकते हो तो इसके बाद आपको ये जो ऑर्डर आईडी है वो पूछेगा क्या यही ऑर्डर आईडी है, तो आपको यस करना है। जो राइट साइड में नीचे एकदम अटैचमेंट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके ये जो सारे इमेज है अपलोड कर देना है। देखो इस इमेज में एटलीस्ट 3 इमेज अपलोड करना है, ऐसा कुछ मैंने नहीं है, आप 6-7 भी इमेज भी कर सकते हो, लेकिन क्या आपका करना है फ्रंट। देख सकते हो ये जो इमेज है मैंने फ्रंट से अपलोड किया है जिधर ये फ्रेम ब्रोकन हो चुका है जो क्लियरली दिखना चाहिए, इसका ऊपर से दूसरा एंगल से ले लीजिए। और थर्ड जो इमेज होना चाहिए हर लेंस कार्ड का जो स्पेक्टेकल का जो लेग होता है तो उसमें डंडी जो होता है उसमें एक कोड लिखा रहता है, तो कोड को अच्छे तरह से आपको कैप्चर करना है ताकि लेंस कार्ड वालों को पता चला हाँ यही मेरा हमारा ही स्पेक्टेकल है। तो ये 3 इमेज आपको एटलीस्ट अपलोड करना है। तो उसके बाद आपको चैट को होल्ड किया जाएगा और आपका इन्फॉर्मेशन चेक होगा। उसके बाद आपको एड्रेस पूछा जाएगा जिस जगह से ये जो स्पेक्टेकल है वो कुरियर ने ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा और ये फ्री है, कुछ चार्ज नहीं देना है, ये टोटली फ्री है। तो आपको पूरा एड्रेस ये इधर डालना है और उसके बाद देख सकते हो 2-3 मिनट के अंदर आपका जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो प्लेस हो जाएगा और आपके पास SMS भी आ जाएगा, देख सकते हो। और ये जो रिटर्न रिक्वेस्ट है वो लगभग नेक्स्ट 48 आवर्स में कुरियर के द्वारा आपका घर से पिकअप कर लिया जाएगा। ये लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लू डार्ट और एक्सप्रेस बिज कुरियर। आपको कुछ नहीं करना है, बस लेंस कार्ड का जो बॉक्स है उसमें ही आपको पैक करके रख देना है। जब ये पिकअप हो जाएगा तब आप लेंस कार्ड से या फिर लेंस कार्ड स्टोर से आपका जो नया फ्रेम है वो चूज कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो फिर से ऑर्डर पे वापस आओगे तो ये देखो ऑर्डर जिस ऑर्डर ने आप सिलेक्ट किया था तब ये देख सकते हो ये नहीं दिखा रहा था, अभी दिखा रहा था रिटर्न रिक्वेस्ट व्यू रिटर्न और रिफंड डिटेल्स पे क्लिक करके आप देख सकते हो इस रिटर्न का हालत क्या है, अभी स्टेटस क्या है।
तब जैसे दिखोगे इस स्टेटस के ऊपर आपका सामने ऑप्शन आ जाएगा पिकअप शेड्यूल्ड एक्शन पेंडिंग फॉर एक्सचेंज। आपको एक क्रिएट एक्सचेंज ऑर्डर पे क्लिक करके एक्सचेंज ऑर्डर क्रिएट करना है। आपका कुछ भी फिर से जरूरत पड़े फ्यूचर में जब तक ना पिकअप हो रहा है आप चैट विद अस करके ये चैट कर सकते। आपका जब पिकअप हो जाएगा तो ये क्रिएट एक्सचेंज ऑर्डर पे क्लिक करके आपका जो नया फ्रेम है और चूज कर सकते हो। देखिए इधर आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है। एक है जो सेम स्पेक्टेकल है सेम लेंस के द्वारा फिर से ले सकते हो, या फिर सेम फ्रेम और आपका पावर चेंज हुआ है तो दूसरा ऑप्शन भी चेंज कर लेंस चेंज कर सकते हो, तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप टोटली न्यू फ्रेम लेना चाहते ये आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपको थर्ड फ्रेम मतलब चेंज फ्रेम चेंज लेंस पे आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट पेज में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो ये मेरा सनग्लास था, ऑटोमेटिकली आपका अगर सनग्लास है तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सनग्लास इधर दिखाई देगा। आपका अगर स्पेक्टेकल था नॉर्मल वाला तो ऑटोमेटिकली ये स्पेक्टेकल दिखाई देगा, उस पे तो मैं सनग्लास नहीं दिखाई देगा। देखिए सनग्लास था सनग्लास दिखा रहे नॉर्मल स्पेक्टेकल नहीं दिखा रहे। आप इस क्षेत्र में सनग्लास था तो नया स्पेक्टेकल भी ले सकते हो, और नया स्पेक्टेकल था एक सिंपल वाला स्पेक्टेकल था उसके बदले में सनग्लास भी अभी ले सकते हो। तो इधर ये जो ऑप्शन था उसका ऑपोजिट नहीं दिखाई देगा। देख सकते हो मैं अभी स्पेक्टेकल लेना चाहता हूँ फुल्ली ब्लू कट वाला स्पेक्टेकल, एक्चुअली मेरे पापा का है तो पापा के लिए स्पेक्टेकल लेना चाहता हूँ, तो अभी स्पेक्टेकल नहीं दिखा रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेंस कार्ड ऐप में फिर से वापस जाना है। आपका जो भी मनपसंद फ्रेम है जितना सारे देख लो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन तो रहेगा रिटर्न रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन, तो उधर जाके आप जो भी फ्रेम पसंद आया है आप पसंद कर लीजिए। जो भी फ्रेम आपका पसंद आ रहा है उसको खोल के एकदम नीचे में आ जाइए, देख सकते हो एक स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स पे एक कोड लिखा रहता है वीसी विंसेंट चेस का हो या फिर जॉन जैक्स का, जो भी हो विंसेंट चेस का ही है तो विंसेंट चेस का ही लीजिए और सेम अमाउंट होना चाहिए, तब भी आपको कुछ नहीं पे करना है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया तो एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है ना। तो जॉन जैकब्स वाला ले रहे हैं तो वो जो कोड है उसको कॉपी कर लीजिए या किसी जगह पे लिख लीजिए। फिर ये रिटर्न रिक्वेस्ट में आइए, चेंज फ्रेम चेंज लेंस पे क्लिक कर लीजिए। ये देखो ऊपर में एक सर्च बटन है, एक थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करके टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद उधर जो कोड आपने लिखा था उस कोड को सिर्फ टाइप कर दीजिए, और टाइप करने के बाद आपका जो फ्रेम उधर देख रहा था वही फ्रेम आपको इधर दिखा देगा डायरेक्ट। तो मतलब सेम प्राइस में होना है तो सेम कुछ नहीं देना है, जीरो देना है। अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वो आपको देना है, सिंपली ये बात है। तो अब जीरो दिखा रहे हैं, इसके बाद आपको लेंस सिलेक्ट करना है। लेंस जो आप है वो सिलेक्ट कर लीजिए विदाउट पावर और पावर जो भी लेना चाहते हो कर लीजिए। उसके बाद बायनाउ ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। बायनाउ ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो दोनों स्पेक्टेकल एक साथ दिखाई देगा, पुराना वाला नया वाला। आप क्रिएट एक्सचेंज पे क्लिक करते ही आपका जो एक्सचेंज ऑर्डर है वो क्रिएट हो जाएगा, और आपका जो ऑर्डर क्रिएट होके नॉर्मली लगभग 4-5 दिन के अंदर आपका घर में कुरियर के द्वारा फिर से डिलीवरी हो जाएगा। मतलब घर बैठे आपको ये वारंटी क्लेम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे केस में उतना ये जो एक्सपीरियंस है स्मूथ नहीं था। मैंने दो बार केसेस के, एक मेरा पहला वाला था स्पेक्टेकल और ये मेरे पापा का था, तो दोनों बार ही कुरियर से कुछ भी पिकअप नहीं हुआ। अगर भी आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कुरियर के द्वारा पिकअप नहीं किया जा रहा है आपका इतना बार कॉन्टैक्ट करने के बाद, तो आप क्या करोगे मैं इस वीडियो में बताने वाला। दो ऑप्शन चूज कर सकते हो। एक है उसका एक एड्रेस दे देगा जिस एड्रेस पे आपका जो स्पेक्टेकल है वो कार्डबोर्ड में पैकिंग करके खुद से पैसा देके खुद की पॉकेट से पैसा देके कुरियर करके आपका जो गुड़गांव में उसका जो लेंस का ऑफिस है उधर भेज सकते हो। फिर इधर से जो नया स्पेक्टेकल है उसको चूज कर सकते हो या फिर लेंस का स्टोर में जाके चूज कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन उसने जो दिया वो बोला कि आपका जो नजदीक लेंस का स्टोर है चाहे किसी भी शहर में, तो आपका भी ऐसा हो नहीं हो रहा है तो आपका शहर में लेंस का स्टोर है और किसी भी शहर में आप बड़े बड़े शहर में भारत में किसी भी शहर में चला जाओ, चाहे आप किसी भी शहर में रह रहे हो कोई बात नहीं, कोई भी लेंस का स्टोर में चला जाओ उसमें आपका जो स्पेक्टेकल है ब्रोकन वाला स्पेक्टेकल वो जाके सबमिट कर दो। सबमिट करके नया जो स्पेक्टेकल है उधर से ही चूज कर लो और आपका जो एक्सचेंज ऑर्डर है वो तुरंत प्लेस हो जाएगा और आपका कुछ इतना हैरेस होने का जरूरत नहीं है। तो आपका ऐसा हो रहा है पिकअप नहीं हो रहा है तो आपका आइदर खुद से भेज सकते हैं या फिर लेंस का स्टोर में जाके आप किसी भी लेंस का स्टोर में जाके आप ये भेज सकते हो। तो मैंने वही किया, मैंने लगभग 12 तारीख को एटलीस्ट फर्स्ट एड होकर मेरा जो लेंस का स्टोर है उधर गया और मेरा इस स्पेक्टेकल के ऊपर इंश्योरेंस था। अगर आपका इंश्योरेंस है तो अच्छा, इंश्योरेंस नहीं है तो भी अच्छा, तो भी मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस था तो वो लोग इंश्योरेंस को सबमिट कर दिया, नेक्स्ट दिन इंश्योरेंस की तरफ से SMS आया और फिर मैंने जाके नेक्स्ट दिन जाके मेरा जो स्पेक्टेकल है पापा का स्पेक्टेकल वो नॉर्मल वाला ब्लू कट स्पेक्टेकल अभी चूज कर लिया। अभी पहले सनग्लास था अभी ब्लू कट स्पेक्टेकल चूज किया और ऑर्डर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट 4-5 दिन के अंदर ये आ चुका था, मतलब मेरा तो 15-16 अगस्त के अंदर
कंप्लीट हुआ लगभग 22 जुलाई का मैंने प्लेस किया था और कंप्लीट हुआ 16 अगस्त का, लगभग लगभग एक महीने लग गया। तो और पिछले बार भी ऐसा हुआ था, मेरा एक्सपेक्टेकल्चर जो मैंने वेलोर में था तब उधर भी एक्सप्रेस बीज के द्वारा शेड्यूल हुआ था, वो भी 7 दिन के अंदर कोई भी पिकअप नहीं हुआ। फिर मैंने उधर वेलोर में जो स्टोर है, वेलोर चेन्नई, वेलोर तमिलनाडु में जो स्टोर है लेंस का, तो उधर जाके मैंने एक्सचेंज किया था। तो दोनों क्षेत्र में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो स्मूथ नहीं था। तो इसी तरह से आपका जो लेंस कार्ड का जो वारंटी है वो आप क्लेम कर सकते हो। मेरे केस में भी क्या हुआ वो मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला है। अगर आपको कुछ भी हेल्प मिला है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो ये नहीं जानता है। अगर मेरे चैनल पर नया सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप नहीं जानते हो लेंस कार्ड से फ्रेश ऑर्डर कैसे प्लेस करना चाहता, अगर आप जानना चाहते नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए उन सब वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल संदीप सिंह दास। आपका दिन शुभ रहे।